हेलो व्यूअर्स, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर सुरेश जैन। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है, क्यों होता है बच्चों को बार बार सर्दी जुकाम और इससे कैसे बचें। व्हाई चिल्ड्रन सफर फ्रॉम रिपीटेड कफ एंड कोल्ड। आजकल अधिकतर पेरेंट्स की यह कंप्लेन रहती है कि उनका बच्चा हर समय बीमार ही रहता है, उनके बच्चे को बार बार सर्दी जुकाम होता रहता है। आइए आज के इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो क्या क्या कारण है जिनसे बच्चों को बार बार सर्दी जुकाम होता है और इनसे बच्चों को कैसे बचाया जाए। अगर हम इनके कारणों की बात करें तो बच्चे के सर्दी जुकाम होने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन हम इस वीडियो में इन्हें मुख्य रूप से दो भागों में विभक्त करके देखेंगे। पहला इन्फेक्शन और दूसरा इरिटेशन और हाइपर रिएक्टिविटी, जिसको हम एलर्जी भी कहते हैं। पहले हम इन्फेक्शन को समझ लेते हैं। ये इन्फेक्शन भी साधारणतः दो प्रकार का होता है, एक वायरल इन्फेक्शन और एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन की तुलना में वायरल इन्फेक्शन संख्या में बहुत ज्यादा होते हैं और ऐसे हंड्रेड्स ऑफ वायरसेज हमारे वातावरण में रहते हैं जो बच्चों को सर्दी जुकाम कर सकते हैं, जैसे राइनो वायरस, फ्लू वायरस, कोरोना वायरस और ऐसे अनेक तरह के वायरस। साधारणतः छोटे बच्चे को प्रतिवर्ष 4 से 8 वायरल इन्फेक्शन हो सकते हैं और कई कई बार तो इससे भी ज्यादा, और कई बार तो एक इन्फेक्शन पूरा सा ठीक होता ही नहीं है और दूसरा वायरस अटैक कर देता है और बच्चा फिर से बीमार हो जाता है। अधिकतर समय इस प्रकार के वायरल इन्फेक्शन में बच्चे को शुरुआत में बुखार होता है, जुकाम होता है, खांसी होती है। बुखार 2-4 दिन में ठीक हो जाता है, लेकिन खांसी कई बार 2-3 सप्ताह तक भी ठीक नहीं होती है। बच्चे की जनरल एक्टिविटीज, उसका खाना पीना, उसका खेल कूद आदि 2-4 दिनों में ठीक हो जाते हैं, लेकिन सर्दी खांसी रह जाती है। ऐसी हालत में बच्चे को एंटीबायोटिक की कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती है। उनके खान पान पर ध्यान देने की जरूरत है, वह उसको लक्षणों के अनुसार मेडिसिन दिया जा सकता है, जैसे बुखार कम करने के लिए पैरासीटामोल दवाई और अगर नाक बंद हो तो नाक को खोलने के लिए नेजल सेलाइन। बहुत बार ऐसे समय में बच्चा खाना खाना नहीं चाहता है, तो ऐसे में बच्चे को बहुत फोर्सफुली नहीं खिला करके बार बार थोड़ा थोड़ा खाना खिलाते रहना चाहिए। जो दूसरे प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, उसमें सर्दी खांसी का कारण थ्रोट में, टॉन्सिल में, एडिनोइड में, छाती में इन्फेक्शन रह सकता है, जिनके कारण बच्चे के बुखार के साथ साथ गले में दर्द, खाना निगलने में परेशानी, ज़्यादा सांस चलना, छाती में गड्ढा पड़ना, सांस में तकलीफ होना आदि सिम्टम्स हो सकते हैं। ऐसे में उचित इलाज के लिए जरूर आप अपने डॉक्टर से सलाह ले लीजिए। ऐसे इन्फेक्शन में विशेष एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ सकती है, जो कभी भी बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं देनी चाहिए, क्योंकि हर इन्फेक्शन के लिए कौन सी एंटीबायोटिक दी जाए, कितनी मात्रा में दी जाए और कितने दिनों तक दी जाए, यह सब अलग अलग होता है। सर्दी जुकाम हो सकती है, इसमें साधारणतया बुखार नहीं होता या बहुत कम बुखार रहता है, लेकिन छींक आना, नाक बहना, नाक बंद होना, सांस ज्यादा चलना, सांस में तकलीफ होना, सांस के साथ आवाज होना, ऐसे कई तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं। ऐसा होने पर उचित इलाज के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श कर लेना चाहिए। ऐसे केसेज में कई कई बार एलर्जी को रोकने के लिए भी उपचार किया जाता है। सर्दी जुकाम के होने पर इलाज करना तो जरूरी है ही, लेकिन इसके साथ इनको रोकने के लिए भी हर पेरेंट्स को कोशिश करनी चाहिए। बच्चों को हमेशा सर्दी खांसी के रोगियों से दूर रहना चाहिए, चाहे वो कोई फैमिली मेंबर ही हो। घर पर जब किसी बड़े को सर्दी खांसी हो तो उन्हें मास्क का व्यवहार जरूर करना चाहिए, हाथ धोने की आदत सिखानी चाहिए। हमें बच्चों को सिखाना चाहिए कि नाक व मुंह में, आंख में गंदे हाथ नहीं लगाएं। जिस बच्चे को सर्दी खांसी हो उस बच्चे को स्कूल नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि जब बच्चा खांसता है या छींकता है तो कीटाणु बाहर होते हैं और वह कीटाणु दूसरे हेल्दी बच्चों को बीमार कर सकते हैं। उस
से कफ एटिकेट सिखाने चाहिए कि कैसे खांसते समय व छींकते समय सावधानी बरतें। जिन चीजों से व वातावरण से उन्हें सर्दी खांसी होने का डर बना रहता है, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, फ्यूम्स, स्मोक्स, सेंट पाउडर, परफ्यूम, पोल्यूटेड एयर, इन सब से बचने की सलाह देनी चाहिए और बहुत जरूरत है बच्चे को सिखाना चाहिए। बच्चे को संतुलित पौष्टिक आहार खिलाना चाहिए। प्रतिदिन सीजनल फ्रूट्स और सीजनल वेजिटेबल्स खाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इनमें प्रोटेक्टिव एलिमेंट्स रहते हैं व बच्चों को बीमारियों से बचाते हैं, उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। ध्यान रहे, बाजार में मिलने वाले जूस नहीं, ताजा फल ही खिलाने हैं। जरूरत के अनुसार बच्चे को विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी व आयरन सप्लीमेंटेशन दिए जा सकते हैं, जो बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। आजकल जो बच्चों को वैक्सीन दी जाती है वो उन्हें कई जानलेवा बीमारियों से बचाती है। जब भी उनका समय हो समय अनुसार जरूर देना चाहिए। मेरी इस YouTube चैनल पर मैंने कोल्ड इन चिल्ड्रन एंड कफ इन चिल्ड्रन ये वीडियोस पहले से बनाए हुए हैं, जिसमें किस किस सिचुएशन में आपको डॉक्टर से सलाह अवश्य करना चाहिए बताया हुआ है। क्योंकि अगर बच्चे की न्यूमोनिया या एस्थमा अटैक है तो बच्चे की कंडीशन सीरियस भी हो सकती है। आप जरूर उन दोनों वीडियो को देख करके इन बातों को समझिए, अपनी जानकारी को बढ़ाइए, जिससे सही समय पर सही निर्णय लिया जा सके। आशा करता हूँ इस वीडियो में दी हुई जानकारियाँ आप सभी के लिए काफी यूजफुल होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया आप लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ में शेयर करिए, और आपका कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपने मेरी चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।